के 7:30। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि हमने वीकेंड पे डिसाइड किया था कि हम नेल एक्सटेंशंस कराएंगे, तो वो उस समय मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। सो आज हमने सोचा कि चलो आज मेरे पास टाइम है और मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गया है। तो ये रही इशिता, मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। उसका बिल्कुल मन नहीं है, बट क्योंकि सजेशन हर बार यही देती है, सो होपफुली वी आर गोइंग। हाँ, और गाइस हमने ये भी सोचा था कि क्योंकि कल करवा चौथ है, तो हमने सोचा था कि हम मम्मी को मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट लेकर जाएंगे, उनकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग कराएंगे, उनको पैम्पर करेंगे। बट इससे पहले कि हम उन्हें लेकर जाएं मेहंदी लगवाने के लिए, उन्होंने हमारी पोपट कर दी है और वो खुद ही पहले से मेहंदी लगवा कर आ गई हैं। बट स्टिल उन्होंने हमें 2-4 छोटे मोटे काम बताए हैं, कुछ पूजा का सामान मंगाने के लिए बताया है और जो भी कल चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो हम उसके लिए मार्केट जाएंगे। सो ओके, बने रहिएगा हमारे साथ। हम नेल एक्सटेंशंस कराने जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे। आप भी मुझे सजेशंस दीजिएगा कि कौन से नेल्स मेरे पे अच्छे लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, कौन सा शेप मुझे लेना चाहिए, एंड देन हम कंटिन्यू। मार्केट में और मार्केट हमारा इतना क्राउडेड हो रखा है, सारी लेडीज अपने अपने करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवाने आई हुई है। पूरा मार्केट अभी क्राउडेड है। अभी मैं दिखवाऊंगी, हम लोगों ने भी अपने रेट पता किए। तो इशिता, आर यू रेडी फॉर द मेहंदी? थोड़ी इशिता का मन नहीं है तो वो सिर्फ पीछे लगवा रही है और मैं पूरे। एवरीबडी, होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बड़ा स्पेशल डे है फॉर ऑल द लेडीज, सो हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। मेरी मेहंदी भी बहुत बढ़िया आई है। कल रात हमें बहुत लेट हो गया था मार्केट से आने में, सो हम लोगों ने उसके बाद डिनर किया तो हम व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। इशिता स्कूल जा चुकी है एंड मैं बस अभी अपने जिम आई हूँ। थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, देखते हैं मम्मी कैसे तैयार हो रही है एंड आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग। तो मैं अब दोबारा आ चुकी हूँ जिम से। यहाँ पे गौरांज खड़ा हुआ है, थोड़ी सी आज मेरी किचन में हेल्प कर रहा है क्योंकि मम्मी का फास्ट है। सो हाउ आर यू डूइंग गौरांज, कैसी है तबीयत? ठीक हूँ मैं, अभी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं डेंगू का टेस्ट करा कर आया हूँ सुबह, डॉक्टर से कंसल्ट भी करा कर आया था। उन्होंने बताया था कि डेंगू का एक बार टेस्ट करा लो ताकि थोड़ा क्योंकि अवेयर रहना चाहिए, अभी डेंगू फैल रहा है, इसलिए उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि तुम डेंगू का टेस्ट करा लो पहले, तब पता चल जाएगा तबीयत तुम्हारी क्यों खराब है। गाइस, मेरे साथ मास्टर शेफ गौरांश भी हैं, थोड़ी सी हम मेरी किचन में हेल्प कर रहे हैं। हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बना रहे थे, मम्मी को आज हमने रेस्ट करने को बोला है तो इसने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी दीदी की हेल्प करता हूँ। तो ही इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ अ ब्रेड। मम्मी इज़ गोइंग टू रेडी फॉर हर करवा चौथ। मम्मी आज आपकी बहुत अच्छा लग रहा है कुर्ता, और ये बैंगल्स देखो गाइस, मैं लाई थी मम्मी के लिए उस दिन मार्केट से, मम्मी को अच्छे लगे ये। मैं बैंगल्स पहन रही हूँ। और गाइस, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा शुरुआत हुई है और खाने में भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। खीर बनाई है, कद्दू बन रहा है, मटर पनीर बूंदी कराए, मटर पनीर मैं बना रही हूँ। मटर पनीर की रेसिपी भी मैं अपने डालूंगी शॉर्ट्स में, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा। और बस अभी हमें थोड़ा सा बैंक का काम है, तो बस हम मैं और गौरांश जो हमने ब्रेकफास्ट बनाया है उसके बाद वो करने के बाद मैं मम्मी को थोड़ा बैंक लेके जाऊंगी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है। एंड देन फिर देखते हैं शाम को हम आज क्या क्या करने वाले हैं। कड़े जो तुम लोग लेकर आए थे मैंने पहन लिए हैं। ठीक है, और टाइम क्या है शाम का? हमें पूजा वूजा का टाइम 6 बजे करीब हम लोग पूजा कर लेंगे। अच्छा, और बाकी जो अर्घ देने का टाइम है वो तो 8 बजे के बाद ही होता है। ठीक है, उस बीच हम लोग थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, देखिएगा। ताई जी भी आएंगी, तो ताई जी को भी हमने आज डिनर पे इनवाइट किया है। सो ताई जी और शिवांश दोनों आएंगे एंड हम थोड़ी सी उनके साथ एक्टिविटीज़ करेंगे। मीनवाइल जब तक चांद नहीं निकलता है तो ऑब्वियसली भूखे रहना इज़ डिफ़िकल्ट, तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा हमारा, फन भी हो जाएगा एंड क्योंकि फेस्टिव मूड है तो मज़ा भी आएगा, है ना मम्मी? दीदी अभी एक और बना रही है, देख सकते हैं। मम्मी का आज व्रत है तो इसलिए शायद मम्मी तो ये खा नहीं पाएंगी, लेकिन मम्मी को हमने दिखाया है कि मम्मी देख लो हमने कैसे बनाया है। मम्मी आप भी यहाँ पे आके बैठ जाओ और दीदी को देखो गाइस। अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? ये गौरांश का आइडिया था, गौरांश ने बोला कि बहुत फ्राइड खाने का मन नहीं है तो हम लोग इसको तवे पे ट्राई करते हैं। मैं इसकी रेसिपी भी डालने वाली हूँ अपने शॉर्ट्स पे गाइस। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही यम्मी है।
ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ऐसे बहन ने मुश्किल से इसका बैटर 2 मिनट में बना लिया था। दीदी क्या क्या बेसन की ज़रूरत होती है? बेसन, बाकी बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला एंड थोड़ा सा अजवाइन, एंड थोड़ा अगर आपको क्रिस्पीनेस देना है तो उसके लिए बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। गुड इवनिंग, अब बज रहे हैं शाम के 7:45 एंड हम रेडी हो चुके हैं। मम्मी और ताई जी ने पूजा कंप्लीट कर ली है और हम लोग बस इशिता का वेट कर रहे हैं। शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी एंड देन हम उसके बाद एक या दो कुछ इशिता आ चुकी है एंड अब हम अपना गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट गेम जो हम खेल रहे हैं वो है हम छोटा सा एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करेंगे। सो अभी हमारे पास 5 लोग हैं, मैं हूँ, इशिता है, मम्मी है, ताई जी हैं और गौरांश। तो जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी वो विनर होगा। और रूल्स ये हैं कि आपको अपनी ड्राइंग मिटानी नहीं है, आप जैसे बना रहे हो वैसे बनाते रहोगे, मिटाने का किसी के पास ऑप्शन नहीं, ठीक है। सो पहले हम ड्राइंग देखेंगे कि कौन कौन, हमने थीम्स डिसाइड करनी है कि कौन क्या बनाएगा एंड देन हम ताई जी और मम्मी में से ही कोई विनर डिसाइड। आपकी ड्राइंग है चांद को देखती हुई लेडी। Nice. ये लेडी नहीं है मम्मी, ये आपने कैसा मोटा पेट बना दिया मम्मी, ये तो कार्टून है, दिस इज कार्टून। कोई बात नहीं, चलने दे मम्मी, इसके पैर कैसे हो गए बांडे, देखने तो दो, अरे बनाने तो दो यार, इसके बाल तो बना, बाल ही हो रहा था। दिस इज अमेजिंग गाइस, थैंक जी, बीच की मांग निकल रही है इसकी। बिंदी 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 मुंह तो बना, मम्मी ये क्या बना रही है गौरांज, ये क्या है इसके हाथ में लोटा, पानी टपकते हुए दिखा, आपका हो गया ड्राइंग कंप्लीट, हो गया हो गया। ताई जी, अब ताई जी की बारी है, पहले हमने सोचा कि बड़े बना ले, गाइस ताई जी थोड़ा सा रिलीजियस फ्लेवर लेकर आ रही है हमारे गेम में, देखते हैं ताई जी क्या बनाने की कोशिश कर रही है। एक्सप्लेन ताई जी करेंगी बाद में कि उन्होंने क्या थीम बनाई है। हमने वैसे उन्हें थीम दी थी चोर के पीछे भागती हुई पुलिस, बट ताई जी ने बोला कि मैं थोड़ा सा रिलीजियस थीम फॉलो करूँगी, तो हमने कहा चलो ठीक है। ओके अरे वाह, तो ताई जी क्या बनाया है आपने? मैंने ये श्री गणेशाय नमः कुंडली बनाई है, माँ का यंत्र बनाया है। अच्छा, तो इसका गणेश जी का उत्सव है इसलिए नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट आर्टिस्ट आए हैं तो इनको हमने थीम दी है औरत के पीछे भागता हुआ कुत्ता। ताई जी क्या कह रही थी इस बारे में? उनका कुत्ता सीधा बनाना, कभी कुत्ते के पीछे औरत भाग रही है। ये आपका कुत्ता है औरत? सब मुंह नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज दिस, इज दिस डॉगी जैसा बन गया है? ओए जीव क्या निकला, ओए छोटी ने कुत्ता तो अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया, मैं सोच रही हूं औरत ने जीव क्यों निकाल लिया। ताई जी कह रही है कि औरत जीव क्यों निकाल के बैठी। मम्मी नहीं दिख रही, गौरांश, ओ वाह, इश्ता का कुत्ता तो बहुत बढ़िया लग रहा है, स्कूबी वाला नहीं लग रहा ताई जी? भाई यहाँ पे एक से एक कलाकार है, कुत्ते की जीभ है, एक टांग की, एक टांग की छोटी। ये थोड़ा थोड़ा मुझे बकरी नहीं लग रही हल्की सी? नहीं, कुत्ता लग रहा है। सो दिस इज कुत्ते की जीभ जैसी, कुत्ता वाह भाई वाह, तो बड़ी अच्छी बनी है छोटी, अबे दिखाना है बहन, ऐसे थोड़ी ना भाग रहा है वो, आगे कर ले आप अपनी सीट दीदी, गिर जाएगी दीदी, फिसल जाएगी, थोड़ी आगे कर ले, ये इनकी लेडी बन रही है। इतने भी मम्मी के स्टाइल की लेडी बनाई है, ये अच्छी
लेकिन अच्छी हुई। ये आपके हाथों में क्या हुआ इश्ता? हमें देख नहीं पा रही, थोड़ा हमें यहाँ आना पड़ेगा। बट ये लेडी तो बढ़िया बनाई है, वाह बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया। इशिता आपका हिडन टैलेंट हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। कुछ डाला है इसमें, इसमें कर दी इतनी हवा में से। तो ये मेरी ड्राइंग है गाइस, ये मैंने बना दिया। चलो दैट इज ऑल, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। थैंक यू स्टार्ट वोटिंग फ्रॉम गारंज। यस सबसे अच्छी तो मम्मी ने बनाई थी। चलो मम्मी, वन फॉर मम्मी। ताई जी सबसे अच्छी इशिता की। थैंक यू इशिता गौड़। और मैं अपने आप को ही वोट करती हूं। जी अपने आप को ही वोट कर रही हैं। सबसे अच्छी ड्राइंग इशिता की थी गाइस, सबसे अच्छी ड्राइंग क्योंकि इशिता की थी, सो शी इज द विनर ऑफ दिस गेम। इशिता को ताई जी गिफ्ट दे रही हैं। आई वांट टू सी कि भाई इस गिफ्ट में है क्या, ताई जी ने क्या गिफ्ट दिया है। वाओ सो ये तो बहुत ही सुंदर है। लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी एंड देन शुभ लाभ लिखा हुआ है एंड चरण है। बहुत सुंदर गिफ्ट है ताई जी, थैंक यू। हो चुकी है, मम्मी ने भी अपना चांद देख के अर्घ दे दिया है। पूजा कंप्लीट कर ली है, हम लोग डिनर कर रहे थे। इशिता अपना डिनर कर चुकी है। वी आर बैक विद आर आउटफिट्स जो हमने पहने हुए थे। अब हम खाना खा रहे हैं, खाना बहुत टेस्टी बना है। बट ये वाला व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ही फनी गेम खेला है। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड ऑब्वियसली प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल विच इज़ SG Family Vlogs एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेंस्ट टू एवरीबडी।